तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे मिशन इम्पॉसिबल फर्स्ट जो 1996 के अंदर आई थी। देखो यार, ये मूवी देखने के पीछे कोई ये रीजन नहीं था कि मैं अपनी यादों को ताजा करना चाहता हूँ, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था। इस मूवी को इसलिए देखा क्योंकि मैंने यार इसकी फर्स्ट मूवी जो मैंने देखी थी, मतलब MI मैंने जब देखनी स्टार्ट की थी मिशन इम्पॉसिबल की, तो सबसे पहले मैंने मिशन इम्पॉसिबल 3 देखी थी, फिर उसके बाद 2 देखी थी, और फिर यहाँ पर मैंने 1 देखी ही नहीं थी। इसके बाद जो MI2 MI3 और आगे जो मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी मूवीज आई थी वो मैं देखता ही आ रहा था। अब तो फिलहाल नई मूवी भी आ रही है, मतलब उसकी शूटिंग चल रही है, वो भी कुछ टाइम बाद आ जाएगी। खैर, MI1 देखने के पीछे रीजन एक तो ये हो गया। दूसरा रीजन जो मुझे ये लगता है कि यार मैंने इसे क्यों देखा, और मुझे लगता है कि यार किसी और को भी इसलिए देखनी चाहिए ये मूवी, क्योंकि फर्स्ट मूवी कैसी थी कि इसके ऊपर इतने सारे पार्ट्स बन गए। ऑब्वियसली फर्स्ट मूवी में कुछ इतना दम रहा होगा, ऐसी स्टोरी रही होगी, कुछ यूनिक रहा होगा, तब जाके बाकी के पार्ट्स बने हैं। तो मुझे लगता है कि इसको जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें ये देख लेनी चाहिए। और मैंने इस मूवी को मतलब एक बार देखा था, मतलब थोड़ा सा एक पार्ट देखा था कि ग्लैब में से जो टॉम क्रूज है, यानी जो इथन हंट है, जिनका नाम इसके अंदर इथन हंट रखा गया है, मतलब है मिशन इम्पॉसिबल मूवी के अंदर, तो ये जब ऊपर से मतलब जैसे अगर आप लोगों ने देख रखी होती है, एक मिशन होता है जिसमें छत के ऊपर से नीचे आना होता है, तो वो एक लैब में कुछ चोरी कर रहे होते हैं, तो वो एक छोटा सा मैंने सीन देखा था। उसके बाद तो मुझे स्टोरी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तो बेसिकली इस मूवी के अंदर इथन हंट की जो टीम है वो दिखाई गई है, जिनकी स्टार्टिंग में कैसे है यहां पर। तो जिनको नहीं पता है मिशन इम्पॉसिबल क्या है, कि इसके अंदर मिशन दिए जाते हैं जो इम्पॉसिबल होते हैं उनको ये पॉसिबल कर देते हैं। वाह क्या बात है। तो मतलब इसमें इथन हंट अपनी टीम के साथ एक मिशन पे जाता है और उस मिशन में गड़बड़ हो जाती है, और इथन हंट को छोड़ के, मतलब टॉम क्रूज को छोड़ के, इनके बाकी जो मेंबर हैं टीम के वो मारे जाते हैं। अब किसने किया, क्यों किया, क्या रीजन है, ये सारी चीजें जो है वो इस मूवी के दौरान दिखाई गई है। वैसे ये 1996 में आई मूवी है, तो उस टाइम में जितना पॉसिबल हो सकता था उतनी टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की गई है। खैर देखो, अगर आप लोगों को नहीं पता है, जो ये मूवीज बनती हैं जितनी भी जासूस वाली, इनके अंदर जैसे जैसे गैजेट दिखाए जाते हैं, मतलब ये कल्पना होती है, लेकिन कमाल की बात है कि इस कल्पना को वैज्ञानिक रियल में कंप्लीट किया, मतलब रियल में इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये चीजें अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूं आपको। और वैसे एक आप सर्च करना मेटावर्स करके, एक प्रोग्राम जो है जिसके ऊपर वर्क किया जा रहा है, काफी बढ़िया प्रोग्राम है वो, आप उसके बारे में सर्च करोगे तो पता चलेगा कि हाँ यार, अवतार जैसी मूवी जिसके अंदर इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, एक कल्पना थी वो, अब उसको उस कल्पना को वैज्ञानिक तौर पर, मतलब उसको रियलिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मेटावर्स सर्च करना। मैं यहाँ पे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाने नहीं बैठा हूं, मूवी के ऊपर फोकस करते हैं। मूवी की स्टोरी ठीक है, लेकिन आज के परिदृश्य से बात करें, मतलब आज के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो शायद थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट इसमें कम बन सकता है, क्योंकि आपके अंदर जिस मूवी, मतलब क्या बोल रहा हूं यार मैं, इस मूवी में जिस तरीके की जो मिशन दिखाया गया और उसको कंप्लीट करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है वो आपको थोड़ा सी अजीब लगेगी, क्योंकि आज की डेट में हम देखें 2021 में जिस तरीके की प्लानिंग चली जाती है, जिस तरीके की मूवीज दिखाई जाती है, तो वो बड़ी बढ़िया होती है, इंटरेस्टिंग होती है, इसमें नई नई टेक्नोलॉजी बढ़िया, मतलब यार देखो यार वही बात होती है ना कि आज के टाइम को उस टाइम से मैं कंपेयर नहीं कर सकता। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मूवी को आप मतलब 1996 के पर्सपेक्टिव से ही देखें कि हाँ उस टाइम जो ये मूवी आई थी तो कितना यूनिक सा कॉन्सेप्ट था। टर्न एंड ट्विस्ट है इस मूवी के अंदर जो इस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। खैर, इसके अंदर जितना भी जो VFX यूज किया गया है वो भी आप लोगों को थोड़ा बहुत अजीब सा लग सकता है। ऑब्वियसली यार टाइम डिफरेंस है तो वो थोड़ा बहुत अजीब तो लगेगा ही, लेकिन मूवी की स्टोरी के साथ आप कनेक्ट रहेंगे, आप देखना चाहेंगे कि यार फर्स्ट मूवी कैसी थी, इसके अंदर ऐसा क्या दिखाया गया था, कितना इंटरेस्टिंग इसमें मिशन रहा था, तब ये आगे इसके पार्ट बने। खैर, मेरी जो फेवरेट मूवी थी, मतलब जो मैंने MI के टाइम में जो सबसे पहले देखी थी, मेरी मिशन इम्पॉसिबल 3 काफ़ी बढ़िया रही। हाँ, जो लास्ट में आई वो भी बहुत बढ़िया मूवी, जो हाल फिलहाल में जो एक मूवी आके गई है मिशन इम्पॉसिबल की, वो भी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन एक होता ना कि स्पेशल जगह ले लेती हैं, मिशन इम्पॉसिबल 3 ने वो एक स्पेशल जगह ले ली, मतलब दिल में। पर एक अच्छी बात यह है कि आप इसकी मिशन इम्पॉसिबल 2 देखो या 3 देखो या कोई भी देखो, तो उसमें पीछे का कोई लिंक नहीं होता कि पिछली वाली मूवी में क्या हुआ था, कि अब ये जो मूवी देखोगे तो समझ नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कि मतलब शुरुआत से, मतलब इसको एक बार शुरुआत से देखना शुरू करते हो किसी भी मूवी को, कोई भी मूवी उठा लो मिशन इम्पॉसिबल की, कोई भी मूवी देखोगे तो आपको आसानी से वो समझ में आ जाएगी। तो फिलहाल अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी है मिशन इम्पॉसिबल फर्स्ट, तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप जाकर देखें। और इसको हिंदी में भी अवेलेबल है, लेकिन हिंदी की बजाय
इसको इंग्लिश में देखें, क्योंकि यार मुझे वो डबिंग उतनी पसंद नहीं आई। तो आप प्रेफर करें, मतलब मैंने प्रेफर किया इंग्लिश को, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इंग्लिश में देखें तो अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे जो डायलॉग है इसके अंदर, वो उसको आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अगर आप लोगों ने देख रखी है द फर्स्ट मूवी तो प्लीज कमेंट करना, अगर नहीं देखी है तो जाकर देखो। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 7 out of 10। तो फिर से जिन्होंने देखी है तो कमेंट कर दो यार। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।